हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। जो आप कमेंट करते हैं वर्ग तीन से रिलेटेड, उन पर वीडियो जरूर बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज का सवाल है कि हम वर्ग तीन की तैयारी कितने घंटे पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। यानी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर, एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों सभी के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि सभी की क्षमताएं अलग होती हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं 6 घंटे पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी हैबिट में होता है। अब मान लो कि किसी ने पढ़ाई छोड़ रखी है और अब वर्ग तीन के फॉर्म फिल हो गए हैं, एग्जाम डेट डिसाइड हो गई है, उसके बाद वो पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो क्या वो 6 घंटे पर पहुंच सकता है? नहीं, एक साथ तो नहीं पहुंच सकता। हाँ, धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई का स्तर बढ़ा सकता है, अपने घंटे बढ़ा सकता है। तो शुरू में तो उसे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने में ही दिक्कत होगी, और जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उन्हें 6 घंटे में भी दिक्कत नहीं होगी। पहला आंसर तो ये हो गया कि आपकी हैबिट कितनी है पढ़ने की, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट डिसाइड कर लें। कि जैसे मान लो हम 4 घंटे पढ़ सकते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को एक एक घंटा दे दें, ठीक है? ऐसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 घंटे उनको मिल जाएंगे। अब ये 4 सब्जेक्ट कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 1 घंटा पर्यावरण को दे सकते हैं, 1 घंटा आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र को दे सकते हैं, 1 घंटा आप फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज को दे सकते हैं, 1 घंटा मैथ को दे सकते हैं। ऐसे ये 4 घंटे में डिवाइड हो जाएंगे। यदि 6 घंटे हो जाते हैं तो आप रिवीजन के लिए भी 1 घंटा निकाल सकते हैं फिर, ठीक है? क्योंकि फिर 4 घंटे आपने ये पढ़ लिया, 1 घंटे आपने रिवीजन के लिए निकाल लिया, तो हो गए 5 घंटे। और 1 घंटा जो है दोस्तों, उसमें आप कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह है, ओल्ड एग्जाम पेपर है, उसे हल करके देखेंगे और कहाँ पर आपकी कमी रह गई उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 घंटे का शेड्यूल हो गया। यदि 4 घंटे से भी आपको कम समय मिल रहा है, तो उस हिसाब से फिर आपको 30-30 मिनट या 35-35 मिनट में अपने सब्जेक्ट डिवाइड करने होंगे। तो आपकी हैबिट कितनी है पढ़ने की, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आप वर्ग तीन के लिए कितना रेगुलर पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपकी हैबिट है जैसे 2 घंटे पढ़ने की, और आप कोशिश कर रहे हो 4 घंटे पढ़ने की, तो 2 घंटे तो आपका जो माइंड है वो फोकस रहेगा उस चीज पे। 2 घंटे के बाद वो फोकस हटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसे हैबिट नहीं, आपके माइंड को उसे ब्रेक चाहिए। तो इस हिसाब से तो यदि ब्रेक भी ले लो 30-35 मिनट या 40 मिनट या 1 घंटे का, उसके बाद फिर 2 घंटे और पढ़ सकते हो, तो ऐसे आपके 4 घंटे हो जाएंगे। यदि आप रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट है, उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो डेली 6 घंटे पढ़ता है। अब 6 घंटे वो कैसे पढ़ता है? इस मॉर्निंग में वो 4 बजे उठ जाता है, 4 से वो पढ़ता है 3 घंटे अपने, है ना? 4 बजे से उठ गया तो 5, 6, 7 ऐसे वो 3 घंटे पढ़ लेता है। इसके बाद फिर वो इवनिंग टाइम में पढ़ता है। इवनिंग टाइम में उसका क्या रहता है, शाम के जो 7 बजते हैं वहां से लेके वो 10 बजे तक पढ़ लेता है। 10 बजे वो सो जाता है, ठीक है, और सुबह 4 बजे फिर उठ जाता है। और जो दिनचर्या है उसमें उसे और भी काम करने होते हैं, तो वो पूरा खत्म कर लेता है। तो बिजी होने के बाद भी वो अपने 6 घंटे निकाल रहा है। तो उसने 2 शिफ्ट बना रखी है, मॉर्निंग शिफ्ट 3 घंटे, इवनिंग शिफ्ट 3 घंटे पढ़ाई के लिए। तो ये भी आप भी कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ये है कि हमारा फोकस कैसा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग 1 घंटे में भी इतना पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत से लोग 4 घंटे में नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो 1 घंटे में पढ़ रहा है तो फोकस के साथ पढ़ रहा है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनका पढ़ाई की ओर फोकस नहीं है। हाँ, बुक साथ में है लेकिन साथ में उनका मोबाइल भी रखा हुआ है, कुछ और चीज़ भी रखी हुई है, कुछ और माइंड में भी चल रहा है, तो उनमें भी समय जा रहा है और साथ में वो बुक्स भी देखता जा रहा है, तो फिर उसका फोकस हो नहीं पाता। तो फोकस के साथ यदि आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में भी आप बहुत कुछ पढ़ जाओगे। और यदि आपका फोकस नहीं है, 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो समझो कि आपको बहुत कम याद होना है। ये तो आपका जो फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे बेस्ट ये है कि अपना मोबाइल हो गया, अपने कोई भी और बातें आपके मन में चल रही हो, उन्हें यदि आप छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करोगे, तो 1 घंटे में भी आप बेस्ट रिजल्ट ला सकते हो। और यदि आप फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे हो और 4 घंटे भी दे रहे हो, तो उसमें आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीजें निकल के आई हैं। एक तो आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितने में आप कंफर्टेबल हो, जितने में आपका माइंड कंफर्टेबल हो, और उसमें आपको फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। यदि हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे पढ़ ही रहे हैं, उसमें ये नहीं है कि हम मोबाइल पे मैसेज के रिप्लाई करना शुरू कर दिया किसी को, या फिर कुछ वीडियो देखना शुरू कर दिया, या फिर 10 मिनट पढ़े उसके बाद पानी पीने के लिए बाहर चले गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। यदि हमने फोकस
किया है कि हम अब रेगुलर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे के बाद ही हम अपने रूम से बाहर निकलेंगे या बुक्स को छोड़ेंगे, तो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ें, 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।